जयशंकर प्रसाद की कहानी पत्थर की पुकार। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पत्थर की पुकार। नवल और विमल दोनों बात करते हुए टहल रहे थे। विमल ने कहा, साहित्य सेवा भी एक व्यसन है। नहीं मित्र, यह तो विश्व भर की एक मौन सेवा समिति का सदस्य होना है। अच्छा तो फिर बताओ, तुमको क्या भला लगता है, कैसा साहित्य रुचता है? अतीत और करुणा का जो अंश साहित्य में हो वो मेरे हृदय को आकर्षित करता है। नवल की गंभीर हंसी कुछ तरल हो गई। उन्होंने कहा, इससे विशेष और हम भारतीयों के पास धरा क्या है? स्तुत्य अतीत की घोषणा और वर्तमान की करुणा, इसी का गान हमें आता है। बस यह भी एक भांग गांजे की तरह नशा है। विमल का हृदय स्तब्ध हो गया। चीर प्रसन्न वदन मित्र को अपनी भावना पर इतना कठोर आघात करते हुए कभी भी उसने नहीं देखा था। वह कुछ विरक्त हो गया। मित्र ने कहा, कहाँ चलोगे? उसने कहा, चलो मैं थोड़ा घूमकर गंगा तट पर मिलूंगा। नवल भी एक ओर चला गया। चिंता में मग्न विमल एक ओर चला। नगर के एक सुने मोहल्ले की ओर जा निकला। एक टूटी चारपाई अपने फूटे चलंगे में लिपटी पड़ी है। उसी के बगल में दीन कुटी फूस से ढकी हुई अपना दरिद्र मुख भिक्षा के लिए खोले हुए बैठी है। दो एक टांकी और हथौड़े, पानी की प्याली, कुची, दो काले शिलाखंड परिचारक की तरह उस दीन कुटी को घेरे पड़े हैं। किसी को न देखकर एक शिलाखंड पर न जाने किसके कहने से विमल बैठ गया। यह चुपचाप था। विदित हुआ कि दूसरा पत्थर कुछ धीरे धीरे कह रहा है। वह सुनने लगा, मैं अपने सुखद शैल में संलग्न था। शिल्पी, तूने मुझे क्यों लापटका? यहाँ तो मानव की हिंसा का गर्जन मेरे कठोर वक्ष स्थल का भेदन कर रहा है। मैं तेरे प्रलोभन में पड़कर यहाँ चला आया था, कुछ तेरे बाहुबल से नहीं, क्योंकि मेरी प्रबल कामना थी कि मैं एक सुंदर मूर्ति में परिणत हो जाऊं। उसके लिए अपने वक्ष स्थल को क्षत विक्षत कराने को प्रस्तुत था। तेरी टांकी से हृदय चिराने में प्रसन्न था कि कभी मेरी इस सहनशीलता का पुरस्कार सराहना के रूप में मिलेगा और मेरी मौन मूर्ति अनंत काल तक उस सराहना को चुपचाप घर से स्वीकार करती रहेगी। किंतु निष्ठुर, तूने अपने द्वार पर मुझे फूटे हुए ठीकरे की तरह लापटका। अब मैं यहीं पर पड़ा पड़ा कब तक अपने भविष्य की गणना करूंगा? पत्थर की कर्णों में पुकार से विमल को क्रोध का संचार हुआ और वास्तव में इस पुकार में अतीत और करुणा दोनों का मिश्रण था, जो कि उसके चित्त का सरल विनोद था। विमल भाव प्रवण होकर रोष से गर्जन करता हुआ पत्थर की ओर से अनुरोध करने को शिल्पी के दरिद्र कुटीर में घुस पड़ा। क्यों जी, तुमने इस पत्थर को कितने दिनों से यहाँ ला रखा है? भला वह भी अपने मन में क्या समझता होगा? सुस्त होकर पड़े हो, उसकी कोई सुंदर मूर्ति क्यों न बना डाली? विमल ने रुक्ष स्वर में कहा। पुरानी गुदड़ी में ढकी हुई जीर्ण शीर्ण मूर्ति खांसी से कम कर बोली, बाबूजी, आपने तो मुझे कोई आज्ञा नहीं दी थी। अजय तुम बना लिए होते, फिर कोई न कोई तो इसे ले लेता। भला देखो तो यह पत्थर कितने दिनों से तुम्हारे नाम को रो रहा है। विमल ने कहा। शिल्पी ने कफ निकालकर गला साफ करते हुए कहा, अपने कोमल श्रोणेन्द्रियों से पत्थर का रोना, लहरों का संगीत, पवन की हंसी इत्यादि कितनी सूक्ष्म बातें सुन लेते हैं और उसकी पुकार में दचित हो जाते हैं, करुणा से पुलकित होते हैं। किंतु क्या कभी दुखी हृदय के नीरव क्रंदन को भी अंतरात्मा की श्रोणेन्द्रियों को सुनने देते हैं, जो करुणा का काल्पनिक नहीं किंतु वास्तविक रूप है? विमल के अतीत और करुणा संबंधी समस्त सद्भाव कठोर कर्मण्यता का आह्वान करने के लिए उसी से विद्रोह करने लगे। वह स्तब्ध होकर उसी मलिन भूमि पर बैठ गया। यही समाप्त होती है पत्थर की पुकार।